हाँ तो यार, हम जरा आए थे नारान की साइड, तो सोचा जरा कुछ सिस्टम आपको भी दिखा दे। पाँच बजे का अलार्म सेट करो और सुबह सुबह निकलो नारायण के लिए। और हाँ, जब सफर में नींद महसूस करो तो सो जाना, नज़ारों से ब्रेक लेके सफर अच्छा गुजरेगा। दोपहर की सख्त गर्मी और 50 डिग्री सेंटीग्रेड में मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। सख्त गर्मी है इस टूर में, बुरा मेरा हाल है और अभी मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ। गर्मी में चाय डजंट सेंस बेटर, लेकिन यार नींद बहुत आ रही है और मैं सोना नहीं चाहता इस वक्त, सो चाय ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है, समझे। तो यार कुछ 550 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब हम रुके हैं 7 के बाद मैकडोनल्ड्स पे, क्योंकि खाना खाना है और अभी हमने खाना खाया। 50 डिग्री की सख्त शदीद गर्मी के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता, इस वक्त जो गर्मी का आलम है वो बड़ा ख़तरनाक है। मुझे ऐसी गर्मी कराची में कभी महसूस नहीं हुई। यार मैं काफ़ी टाइम बाद गर्मी में बाहर निकला हूँ, पहले मैं गर्मी में नहीं निकलता था बाहर, लेकिन यकीन करो ये गर्मी जला देने वाली है, काला कर देने वाली है। तो अभी हम यहाँ रुके हैं, 2 दिन रहीमिया खान रुकेंगे मेरे नाना के घर में और फिर वहाँ से आपके भाई का ट्रिप शुरू होगा टूवर्ड नारान। और फिर हम गर्मी से खुदा की बनाई हुई खूबसूरती की तरफ गामजन हुए। जो खूबसूरती मेरी आंखें देख रही हैं, हो सकता है वो कैमरा आपको ना दिखाए, लेकिन फिर भी आप सीन्स चेक करें। तक तो आ ही गए हो ना, इस वक्त तक रात के टाइम तक मैं भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी हूँ, तो चपली कबाब ट्राई कर लो, थोड़ा सा अनहाइजेनिक खा सकते हो, खा लो तो अच्छा है। देखो यार, मरी तो आओगे ना तो कश्मीर पॉइंट तक जाओगे। एक और काम बताता हूँ, कर लो तो अच्छा है यार, ये ट्रेन चलेगी, घुमा देगी, पैसे कुछ लेगी, स्टूडेंट्स के ऊपर डिस्काउंटेड भी है, तो कर लो तो अच्छा है। मैं कहता हूँ कर लो, इतनी दूर आए हो, फ्लो में जाने दो।
मरी भी आओगे पथरियाटा भी जाओगे। तो एक और काम है जो तुम कर सकते हो, मरी चेयरलिफ्ट पे आ जाना। अगर चेयरलिफ्ट नहीं आए तो आप मरी आए क्यों, ऐसा है ना जानी, तो मजे लो चेयरलिफ्ट। चेयरलिफ्ट से उतरने के बाद एक ऐसी जगह पकड़ो जहाँ से पुरसकून तुम्हें वादी कश्मीर खूबसूरती दूर तक दिखे। तो अभी चेयरलिफ्ट से उतरने के बाद मैं कश्मीर पॉइंट शायद है ये, वहाँ उतरा हूँ। तो आपको मैं सामने दिखाता हूँ कि जो मंज़र मेरे सामने है, बस आप चेक करें। भाई अब मरी में दो दिन रहने के बाद अपना बैग पैक करो और सुबह सुबह रवाना हो नारान की तरफ। क्यों, असल खूबसूरती नहीं देखोगे? तो बस चल पड़ो, निकल पड़ो। सफ़र तुम्हें ऊपर रात तक आते थका देगा। एक काम है जो किया जा सकता है, किसी ठंडे से पानी के आबशार के नीचे बैठो और कुदरत का हसीन लुत्फ उठाओ। इन बहते चश्मों को देख के खुदा की बनाई हुई एक एक शह पर रश आता है कि खुदा ने कितनी ही खूबसूरती से इन चीज़ों को बनाया है। फिर हमने दरिया कुनार के साथ साथ सफ़र करते हुए अपना रुख नारान की तरफ मोड़ लिया। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे इस बात का तो अंदाज़ा और था कि हम नहायत ही किसी खूबसूरत और दिलकश जगह पर जा रहे हैं। तो सीन्स आप खुद देख सकते हैं। रास्ते में अचानक होने वाली बारिश ने सफ़र और खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। नारान सैर व तफरी के लिए जन्नत से कम नहीं है और खूबसूरती में इसका कोई मुकाबिल नहीं है। बस आप गेम्स चेक करें। बड़े सुकून से सोने के बाद सुबह सुबह मैंने ये फैसला किया कि यार चलो नारान तक आए हैं ना, बाबू से टॉप भी चले जाते, बर्फ़बारी देख लेंगे। क्योंकि वो जो पहाड़ ऊपर दिख रहे हैं ना बर्फ़ से ढके हुए, उन खूबसूरत वादियों को मैं खुद अपनी नज़र से देखना चाहता हूँ बहुत करीब से। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बाबू से टॉप के लिए नाश्ता करने के बाद।
जॉब के लिए जा रहे हो ना तो एक काम और करना, लुल्लू सर लेकर आ जाना। लुल्लू सर ही कहेंगे ऐसे, मुझे नाम सही से नहीं पता, वरना आप मंजर नहीं देखे तो आप यहाँ आए क्यों यार, पैसे पूरे नहीं होंगे। सीन्स मुलाहिजा फरमाएं। बाबू सर टॉप ना पहुंचने का कोई गम नहीं, क्योंकि अभी वाले सीन्स भी कुछ कम नहीं। ये मैं नहीं कह रहा यार, खुद देखो, चेक करो बस।